हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय फर्स्ट Q&A वीडियो। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जिसका आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैम, मैं आर्ट स्ट्रीम था 12th में, क्या GNM कर सकती हूँ? 12th में 70% आया है। तो हाँ, आर्ट स्ट्रीम के लोग भी GNM नर्सिंग कर सकते हैं। इसका डिटेल्स आपको JCECEB के वेबसाइट पर भी जाकर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के भी ऐसे ही क्लोथ्स होते हैं इन रिम्स रांची में? तो नहीं, रिम्स रांची में क्या हर एक इंस्टीट्यूशन में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के जो ड्रेस होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं ताकि आप इजिली दोनों को डिस्टिंग्विश कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम, जीएनएम थर्ड ईयर में कौन कौन केस बुक होते हैं? तो जीएनएम के थर्ड ईयर में आपको एक ही केस बुक बनाना होता है, वो है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में आपको केस बुक बनाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट लेदर वाला शूज है या क्लोथ वाला? तो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, मैटर करता है व्हाइट शूज, वो आप कोई भी ले सकते हैं। हाँ, रिम्स रांची में तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ रूल, बट अगर अदर इंस्टीट्यूशन में होगा तो आप वहां से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट ईयर के बुक सेकेंड ईयर में काम आते हैं? तो हाँ, फर्स्ट ईयर के बुक सेकेंड ईयर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई काम नहीं है उसका, बट हाँ, अगर आपको नॉलेज गेन करना है, अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो सारे डिजिट्स के बारे में पढ़ना है, तो सारे डिजिट्स तो हमारे ऑर्गन से ही रिलेटेड होते हैं, तो उसमें अगर आपको किसी ऑर्गन्स के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए आप फर्स्ट ईयर के बुक्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी कैन वी कीप आवर फोन इन हॉस्टल, प्लीज रिप्लाई। तो हाँ, जीएनएम जो हमारे जो रिम्स का जीएनएम है, वहां पे हम लोग फोन हमारे लिए अलाउड होता है, बाकी हॉस्टल्स में आप पता कर सकते हैं, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन का अपना अपना रूल्स होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने पिक किया है कि आर यू स्टडी बीएससी नर्सिंग? तो नहीं, मैंने बहुत बार अपने वीडियो में मैं बता भी चुकी हूँ कि मैं जीएनएम नर्सिंग कर रही हूँ, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर वहां से इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। तो आज का Q&A सेशन मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप कि आपको आपका आंसर्स मिल गया होगा। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर्स मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।